तो हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला कि आप कैसे कैंपिंग कर सकते हैं और अपनी रैंक आसानी से प्लस कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। तो चलिए, मैं अपने घर पर पहुँच चुका हूँ। कुछ गन्स मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। दो बंदे ऊपर उतरे हुए हैं, तो हेलमेट मिल चुका है और यहाँ पर मुझे ग्रेनेड लॉन्चर मिल गया है। तो देखते आते उनको मार दूँगा। तो बच गए, लेकिन बट नहीं बचेंगे दोबारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सीधा आपको कैंपिंग के लिए स्पॉट दिखाते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे डबल डोर में। तो डबल डोर में आज आपको दिखाऊंगा कि आप शॉटगन और MP40 या ग्रेनेड लॉन्चर के साथ कहाँ कहाँ पोजीशन ले सकते हैं कैंपिंग के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो आप डबल डोर में आ जाइए और एकदम कॉर्नर में बैठिए पीछे साइड, जीने के पीछे, और यहाँ से आप अच्छे से एमिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से आप एमिंग करते रहिए और जैसे ही बंदा है उसको मार दीजिए। तो अगर आपके पास MP40 हो तो भी आप वहाँ पर रुक सकते हैं, बट पीछे मत रुकिएगा। आप वो जो डब्बे पड़े उनके पीछे रुकिएगा। तो यहाँ पर एक बंदा परेशान कर रहा है हमको, तो इस बंदे को मार के हम अपने वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। बड़ा परेशान कर रहा है, तो कट्टे से मार देते हैं इसको। तो बम भाई ने मार दिया इसको। तो बम भाई का शुक्रिया जो हमारे साथ खेलने आए। तो चलिए अब आपको दिखाता हूँ ये बड़े वाले घर का एक सीक्रेट स्पॉट, जो ऐसा मैं हर वीडियो में दिखाता ही रहता हूँ। तो चलिए घुसते हैं इस घर के अंदर। तो यहाँ पे आप डब्बे के पीछे बैठिए। अगर आपकी स्क्वाड मर चुकी है तो अभी आप बैठ कर आराम से पुशिंग कर सकते हैं। अगर आप यहाँ बैठना नहीं चाहते तो वहाँ पर आप माइंड लगा के भाग सकते हैं। तो अगर आप माइंड लगा के भाग जाएंगे तो अगर कोई बंदा बैठना आएगा तो वो बूम। तो आई थिंक ये हैकर था जिसने मुझे मारा, क्योंकि इसने एक ही शॉट में मुझे मार दिया। तो देखते हैं। तो ये भी देखिए, बम भाई को भी एक ही शॉट में डाउन कर दिया इसने। आई थिंक ये हैकर था। तो चलिए, हैकर की तो कोई औकात नहीं रहती वैसे भी। तो चलिए घर के अंदर जाके मेडिकेट लगाते हैं, और हमेशा अपने हाथ में ग्लू बॉल रखिए ताकि आप किसी को भी मार सकें। तो चलिए अगली हाइडिंग स्पॉट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। मेडिकेट में फुल कर लिया अपनी हेल्थ, हमेशा फुल करके चलो। सीधे हम चलते हैं इस बड़े वाले घर में। तो इसके तीन चार पार्ट आएंगे इस वीडियो के। तो मैं इस पार्ट में सिर्फ एक ही एरिया कवर कर पाया हूँ, पीक का एरिया कवर कर पाया हूँ। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कि आप जीने के पास कहाँ कहाँ बैठ सकते हैं M79 और MP40 लेके। तो आप यहाँ पर MP40 लेके एमिंग कर सकते हैं अच्छे से, और यहाँ पर इस कॉर्नर बैठ के आप M79 से एमिंग कर सकते हैं। और अगर आपके शॉटगन है MP40 तो आप यहाँ पर भी बैठ सकते हैं आराम से चेयर के पीछे। तो चलिए अगले हाइडिंग स्पॉट या कैंपिंग स्पॉट की तरफ मूव होते हैं। तो चलिए आपको हम टावर कैंपिंग करके दिखाते हैं। तो सीधे हम बेमा शक्ति जा रहे हैं टावर कैंपिंग के लिए, क्योंकि पास में टावर वहीं पे है। तो चलिए दिखाते हैं, सीधे वहीं पे आपसे मुलाकात होगी अब टावर पे। तो इन्जॉय कीजिए तब तक इस गेम प्ले को। तो दोस्तों, हम आज के बीमा शक्ति भी यहाँ पे एक नुपड़ा गाड़ी लेके भागने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए इसको मार दिया है, और इसके पास भी M79 के गोले नहीं मिले। पीछे से कार आ रही है, तो घर के अंदर भागना चाहिए हमको। तो स्क्वाड वाली कार लेके आया, तो मैंने एक बंदे को डाउन कर, लेकिन तब तक उसने मुझे डाउन कर दिया। बम माइनस को मार दिया है। तो इनका आईजन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए आपसे आगे मिलते हैं, टावर की तरफ बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर एक और बंदा है वहाँ पर, तो इसको भी मार देते हैं। मैंने अभी तक हील नहीं किया, बड़ा डर लग रहा है भाई, कोई भी मार देगा। तो मैंने कहा भाई यहाँ पे आप बॉन फायर जलाते हैं। तो अगर आपकी हेल्थ कम हो तो हमेशा बॉन फायर जला के आप उसको फुल अप कर सकते हैं, एक मेडिकेट और फुल बॉन फायर लेके। तो चलिए अपनी गोल्डन जीप में आगे बढ़ते हैं। तो कोटा साइड किसी ने समन ड्रॉप मंगाया है। तो सीधे मैं चलता हूँ टावर के अंदर बढ़ता हूँ। तो टावर पे शायद कोई बंदा है, मुझे आवाज़ आई उनकी।
तो मैं वापस नीचे आ गया। तो आप इन बंदों की तरह कैंपिंग मत कीजिए, अगर आप ऐसे बैठेंगे तो कोई भी आपको हेडशॉट दे देगा। और ये बंदे नूबड़े थे जिनको बम बम भाई और मैंने मार दिया है मिलके। तो एक बंदा गाड़ी में घूम रहा है M79, मुझे चेंज करना पड़ रहा है। तो टावर में बेसिकली आप बीच में मिड में बैठ जाइए तो ज़्यादा अच्छा है, बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो ये बंदा दूसरी गाड़ी लेने की कोशिश कर रहा है, बम बम भाई ने तब भी उड़ा दिया इसको। तो चलिए चलते हैं अपने M79 ले लेते हैं दोबारा से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, आप जाके आप गेम प्ले इंजॉय कीजिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपने अभी तक बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को दबा दीजिए, बेल आइकन दबाएंगे तो आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेंगी। तो इंजॉय कीजिए इस गेम प्ले को और देखते रहिए हमारे चैनल, क्योंकि हमें लूब नेशन गेमर। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fight back.